गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस। इंजन टेस्टिंग और परफॉर्मेंस में हम ये देखना चाहते हैं कि जो इंजन का हमने पैरामीटर्स को थेरेटिकली डील किया है अभी तक, उसे हम न्यूमेरिकली वेरीफाई करेंगे, जिससे हमें इंजन की एफिशिएंसी पता चलेगी कि हमने जो थेरेटिकली इंजन को डिज़ाइन किया है तो क्या वो उतना एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर हुआ है। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो हमारी थेरीज थी वो हमने इम्प्लीमेंट जो किया है उसमें सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, क्या इंजन उस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो इसमें हम जब इंजन की परफॉर्मेंस और टेस्टिंग पता करेंगे तो तीन टर्म हमें पता चलती है, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर एंड इंडिकेटेड पावर, जिस पर इंजन काफ़ी डिपेंड करता है इन पावर्स पर। उसमें जो ब्रेक पावर है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द पावर अवेलेबल एट द आउटपुट शाफ्ट इज़ कॉल्ड आउटपुट और ब्रेक पावर। इंजन का जो भी पैरामीटर है उसे फाइंड आउट करने से के लिए सबसे पहले जो रीडिंग हमें रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी ब्रेक पावर, क्योंकि ब्रेक पावर फाइंड आउट करना प्रैक्टिकली बहुत इजी है और बहुत इफ़िशियंट है कि हमें एक्यूरेटली पता चलता है कि ब्रेक पावर कितना है। इंजन का ब्रेक पावर मींस इंजन का जो आउटपुट शाफ्ट है वो कितना पावर ट्रांसफ़र कर रहा है और उसे हम जब रोकेंगे तो कितने पावर से वो रुकेगा, कितने पावर पर ब्रेक होगा, ब्रेक पावर उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है मैकेनिकल लॉसेस, और उसे हम फ्रिक्शनल पावर कहते हैं, जो हमारा लॉस हो रहा है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ फ्रिक्शनल लॉस एंड पंपिंग लॉसेस आर कॉल्ड मैकेनिकल लॉसेस और फ्रिक्शनल पावर लॉस। इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन पावर और पंपिंग लॉस जो हो रहा है उसे हमने ऐड कर लिया, जिससे हमें पता चला कि फ्रिक्शनल पावर कितनी है। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर, पावर प्रोड्यूस्ड विथ इन द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। हमने जो फ्यूल सप्लाई किया है उसका मास और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से जो पावर जनरेट हुई है विथ इन अ सिलेंडर वो कितनी पावर है, वो है इंडिकेटेड पावर। फ्रिक्शनल पावर जो लॉस हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि थ्योरेटिकल पावर और जो हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे पावर उसमें फ़र्क आने वाला है, जो हमने डिज़ाइन किया था थ्योरेटिकल उसमें और प्रैक्टिकल में और परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस एंड पंपिंग लॉसेस। फ्रिक्शनल पावर को फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कितना फ्रिक्शन कहाँ हुआ है, कितना पंपिंग लॉस हुआ है। तो इसके लिए देयर इज़ वन अजम्पशन, दैट इज़ IP इज़ इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। उसे इस तरह से भी कहते हैं, इंजन पावर इक्वल टू द सम ऑफ ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शनल पावर। तो अब हम देखते हैं कि इंडिकेटेड पावर क्या होती है। उससे पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन लगेगी इंजन की। उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा P suffix M, दैट इज इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर और इसे हम मेजर करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, जो पिस्टन है वहाँ पर जो फोर्स और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है पिस्टन पर
वो इक्वल होगा कि जब पूरा सिलेंडर फुल लेंथ पर वर्क करे उस पावर के। तो सिंपल सा ये समझना है कि जो पिस्टन पर पावर प्रेशर अप्लाई होता है जब हमारा फ्यूल बर्न होता है, तो उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। सेकंड हमारा पैरामीटर एक हमें यूज़ होगा एरिया, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिसे हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करेंगे और ये होता है और ये रहेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, यहाँ पर एक और पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंट है, कैपिटल स्मॉल एन, दैट इज कैपिटल एन रहेगा स्पीड ऑफ द इंजन इन आरपीएम और स्मॉल एन रहेगा नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। कैपिटल एन रहेगा स्पीड ऑफ इंजन इसे हम मेज़र करते हैं आर पी एम में, डेट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो स्मॉल एन रहेगा वो इक्वल रहेगा कैपिटल एन के फॉर टू स्ट्रोक इंजन। क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में हर रिवॉल्यूशन में एक पावर हमको मिलता है, वहीं पर एन इक्वल रहेगा स्मॉल एन कैपिटल एन बाय 2, क्योंकि फोर स्ट्रोक में एक पावर मिलता है दो रिवॉल्यूशन के बाद। फोर्स ऑन पिस्टन, पिस्टन पर जो प्रेशर लग रहा था उसकी वजह से हम वहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन पिस्टन वो हो जाएगा इक्वल टू प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है ऑन एरिया, एरिया है ए, तो ये आ जाएगा हमारा फोर्स इन न्यूटन्स। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाता है फोर्स। आगे हम जब इसे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे पर साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, तो सिंपल सा ये जो फोर्स है उसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिस्टेंस से, तो मुझे मिलेगा वर्क डन, डेट इज़ फोर्स इज पी एम इंटू ए इंटू कैपिटल एल, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ इंडिकेटेड पावर। जब मैं पावर फाइंड आउट करूँगा एक साइकिल के लिए मुझे इतना वर्क डन मिलता है, तो टोटल इंडिकेटेड पावर मुझे कितनी मिलेगी, तो यहाँ सिंपल सा मैं इस वर्क डन में मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ स्ट्रोक, दैट इज स्मॉल एन, तो ये हो जाएगा पी सफिक्स एम इंटू ए इंटू एल इंटू स्मॉल एन। जब नंबर ऑफ स्ट्रोक रहेंगे तो उसे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा फॉर टू स्ट्रोक एन और फॉर फोर स्ट्रोक एन बाय 2, तो दैट इज़ जब हम एन कैपिटल एन की वैल्यू लेते हैं स्पीड ऑफ द इंजन, तो ये होता है आर पी एम रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसका यूनिट इस तरह से होगा न्यूटन मीटर डिवाइड बाय पर मिनट। जब मेरा पावर इंडिकेटेड पावर पर मिनट में फाइंड आउट होगा उसे मैं कन्वर्ट करूँगा
इन वाट में, और उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, ताकि ये जो मिनट है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाए, और न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है वाट। और इसी तरह से आईपी इंडिकेटेड पावर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किलोवाट में, सिंपली मल्टी डिवाइडिंग 1000। तो मुझे जो इंडिकेटेड पावर मिलेगी वो किलोवाट में मिलेगी जब मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। अब हम ये देखेंगे कि ब्रेक पावर जो कि हम फाइंड आउट करते हैं रोप ब्रेक फ्रिक्शन डायनोमोमीटर से, तो उसके लिए मुझे कौन से पार्ट्स रिक्वायर, कौन से कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है रोप ब्रेक फ्रिक्शन डायनोमोमीटर। इसमें एक डेड वेट है, दैट इज़ W फॉर ब्रेक पावर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें हमें लगेगा डेड वेट की वैल्यू कि कितना डेड वेट हमने लगाया। ये डेड वेट आएगा न्यूटन में। उसके बाद एक स्प्रिंग बैलेंसिंग रहेगी, स्प्रिंग से बैलेंस हम करेंगे, तो उसकी रीडिंग को हमें मीज़र करना है, कितना रीडिंग आई है उस पर कैलिब्रेशन के ज़रिए। स्प्रिंग बैलेंसिंग लोड और रीडिंग, ये भी रहेगा न्यूटन में, क्योंकि ये भी एक तरह का लोड हम अप्लाई कर रहे हैं जो बैलेंस कर रहा है डेड वेट को। आर सफिक्स बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम और फ्लाई व्हील, दैट इज इफेक्टिव रेडियस, इसे हम कहेंगे इफेक्टिव रेडियस। और ये होता है कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइड बाय टू, वेयर कैपिटल डी इज इक्वल टू ब्रेक ड्रम डायमीटर, जो डायनामोमीटर है उसका जो ड्रम है उसका डायमीटर, ब्रेक ड्रम डायमीटर स्मॉल डी रहेगा रोप डायमीटर, क्योंकि ये जो डायनामोमीटर है रोप ब्रेक फ्रिक्शन डायनामोमीटर है, तो इसमें रोप का भी डायमीटर रहेगा, ये है रोप डायामीटर। जो ब्रेक लोड हम निकालेंगे, ब्रेक लोड उसे हम नेट लोड भी कह सकते हैं, नेट लोड वो इक्वल रहेगा W माइनस S, क्योंकि S जो है स्प्रिंग लोड है और वो बैलेंस कर रहा है। वहीं पर अगर जब मुझे ब्रेक लोड मिलता है या नेट लोड मिलता है तो वहाँ से मैं ब्रेक टॉर्क निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है इफेक्टिव रेडियस ब्रेक टॉर्क। तो ये हो जाएगा ब्रेक टॉर्क इज इक्वल टू W माइनस S इंटू आर सफिक्स बी, जिससे मुझे ब्रेक पावर मिल जाएगी, और ब्रेक पावर आएगी ब्रेक पावर जो कि टॉर्क से मल्टीप्लाई करूँगा, टॉर्क इज इक्वल टॉर्क मल्टीप्लाई होगा 2 पाई n से, तो हमें देगा ब्रेक पावर। और जब ब्रेक पावर को मैं कन्वर्ट करूँगा वाट में, तो मैं डिवाइड करूँगा 60 से, और जब मैं किलो वाट करूँगा तो उसे मैं कर दूँगा 1000 से डिवाइड, तो ये मेरा जो वैल्यू मिलेगी ये आएगी
किलोवाट में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर। कंप्यूट द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इन बार, मीन पिस्टन स्पीड इन मीटर पर सेकंड एंड टॉर्क इन न्यूटन मीटर फॉर ए टू स्ट्रोक फोर सिलेंडर CI इंजन हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। बोर डायमीटर स्मॉल d इज इक्वल टू 150 mm, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 265 kW एट 1200 RPM, L/D रेशो इज इक्वल टू 0.9। आल्सो आइडेंटिफाई वेदर दिस इंजन इज स्क्वेयर, ओवर स्क्वेयर और अंडर स्क्वेयर इंजन। May 2008, December 2016 में आ चुका है ये न्यूमेरिकल और काफी सिंपल न्यूमेरिकल है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में दिया हुआ है स्मॉल डी इज इक्वल टू 150 mm, हम उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर में, 0.15 meter। साथ ही हमें दिया है नंबर ऑफ सिलेंडर, हमें न्यूमेरिकल में बोला है फोर सिलेंडर CI, तो नंबर ऑफ सिलेंडर हो जाते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर स्मॉल n1 इज इक्वल टू 4। इसे हम k से भी डिनोट कर सकते हैं फॉर आवर स्टैंडिंग। आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, दैट इज स्मॉल n, और ये है इक्वल टू कैपिटल N, क्योंकि यहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है, दैट इज 1200 पर मिनट। ब्रेक पावर भी दिया हुआ है 265 kW और हमें दिया हुआ है L/D रेशो, दैट इज इक्वल टू 0.9। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल BMEP, और वो भी हमें बार में फाइंड आउट करना है, इन बार कितना आता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ब्रेक पावर इज इक्वल टू, जैसा कि इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला था, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू ए, दैट इज एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रेशर हो जाता है फोर्स, और उसे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा स्ट्रोक से तो ये हो जाएगा वर्क डन, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, दैट इज स्मॉल n, तो ये हो जाएगा ब्रेक पावर, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ सिलेंडर से तो ये हो जाएगा टोटल पावर, और इसे जब मैं निकालूँगा किलोवाट में तो इसके लिए मुझे डिवाइड करना रहेगा 60 से और मल्टीप्लाई करना रहेगा 1000 से, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी किलो वाट, ये आपको याद रखना है। अब मैं जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। मुझे पता है ए जो है एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पी सफिक्स MB इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर की एरिया की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू है 0.15 स्क्वायर, इंटू एल का वैल्यू मुझे नहीं पता है,
लेकिन एल का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, एल इज इक्वल टू 0.9 इंटू डी, और जब ये वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पर 0.9 इंटू 0.15, और आगे जो वैल्यू है स्मॉल एन की, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1200, और नंबर ऑफ सिलेंडर वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, और ये सारा डिवाइड रहेगा 60,000 से। मुझे एक और बात पता है कि ब्रेक पावर मुझे दिया हुआ है, तो ब्रेक पावर 265 इज इक्वल टू वो हो जाएगा, और ये वैल्यू को जब मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू मुझे पता है, इसे मैं सॉल्व कर लूँगा, इंटू 1200 इंटू 4, और यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई करता हूँ 1/60,000। यहाँ से मैं जब इसे सॉल्व करता हूँ तो पी सफिक्स एम बी की वैल्यू मिलती है, दैट इज़ ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, और वो होता है 13.885 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे मैं जब बार में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा पी सफिक्स एम बी इज़ इक्वल टू 13.885 bar, सिंपल। अब मैं सेकंड फाइंड आउट करूंगा मीन पिस्टन स्पीड, और ये भी बहुत इजी है, मीन पिस्टन स्पीड, मीन पिस्टन स्पीड डेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 2L(n), यहाँ कैपिटल एल है स्ट्रोक की लेंथ और इस कैपिटल एन है आरपीएम, तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे इजीली आंसर मिल जाएगा। एल का वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि 0.9 इंटू डी का रेशियो मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, ये है डी का वैल्यू, और जब आरपीएम पुट करूँगा आरपीएम है 1200 आरपीएम। और मुझे ये भी कहा है न्यूमेरिकल में कि जो मुझे ये स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है मीटर पर मिनट, तो इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पर डिवीज़न बाय 60, ताकि मुझे जो आंसर मिले वो मीटर पर सेकंड हो जाए। सेकंड कन्वर्जन के लिए हम करेंगे 60 से डिवाइड, तो अब मुझे जो मीन स्पीड प्रेशर मीन पिस्टन स्पीड मिलेगी वो इसको सॉल्व करने से 5.4 मीटर पर सेकंड। थर्ड जो पॉइंट मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ वो है टॉर्क। टॉर्क जो फाइंड आउट हम करते हैं उसके लिए ब्रेक पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू 2π n, दैट इज कैपिटल एन, एंड डिनोट द रिवॉल्यूशन पर मिनट, एंड डिवाइड बाय 60,000, सो आवर ब्रेक पावर इन किलोवाट। सिंपल सा आपका वैल्यू पुट करना है, मुझे टॉर्क नहीं पता है तो टॉर्क का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2108.8 न्यूटन मीटर, ये हमें आंसर मिलेगा। अब हमें लास्ट दिया है कि स्क्वेयरनेस हमें फाइंड आउट करना है, स्क्वेयरनेस ऑफ इंजन। इंजन इसकी स्क्वेयरनेस क्या है, ये तीन पॉइंट होता है इसके अंदर। पहला तो होगा इंजन
कि अगर रेशियो एल बाय डी इज इक्वल टू 1 आती है तो इंजन स्कियर है, लेकिन अगर एल बाय डी 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं अंडर स्कियर। वहीं अगर मेरा जो रेशियो है एल बाय डी जो रेशियो है, अगर उसका वैल्यू 1 से कम होता है तो वो हो जाएगा ओवर स्केयर। इस केस में जो वैल्यू है हमारा 1 से कम हो रहा है, क्योंकि जो एल का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एल इज़ इक्वल टू 0.9 इंटू डी, और डी का वैल्यू है 0.15, और जब मैं इसे पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 0.135, जो कि डी से कम है, डी बड़ा है एल से, और इसे हम कहेंगे ओवर स्केयर इंजन। यह आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। इस न्यूमेरिकल में आपको हीट बैलेंस शीट बनाना है। हीट बैलेंस शीट के लिए आपको ज़्यादातर डाटा दिया हुआ होता है, जैसे कि एग्जांपल आप मैं रीड करता हूँ। अ टेस्ट ऑन ए टू स्ट्रोक इंजिन गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट एट फुल लोड। स्पीड इज इक्वल टू 350 RPM, नेट ब्रेक लोड 65 kg, MEP मीन इफेक्टिव प्रेशर 3 bar, फ्यूल कंजम्पशन 4 kg per hour, जैकेट कूलिंग वाटर फ्लो रेट 500 kg per hour, वाटर जैकेट वाटर टेम्परेचर एट इनलेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर जैकेट टेम्परेचर एट आउटलेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टेस्ट रूम टेम्परेचर डेट इज़ एम्बियंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस 400 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर यूज पर केजी ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 32 kg, सिलेंडर डायमीटर 22 सेंटीमीटर, स्ट्रोक 28 सेंटीमीटर, इफेक्टिव ब्रेक डायमीटर 1 मीटर, कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल 43 MJ पर केजी, प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल इज इक्वल टू 15%, मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस 1 kJ/kg केल्विन, मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए स्टीम इज इक्वल टू 2.1 kJ/kg केल्विन, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 62 kJ/kg, लेटेंट हीट ऑफ ए स्टीम 2250 kJ/kg, 2250 kJ/kg। तो हमें बोल रहा है फाइंड इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड ड्रॉ अप अ हीट बैलेंस शीट फॉर द टेस्ट इन किलो जूल पर मिनट एंड इन परसेंटेज। आइए हम सॉल्व करते हैं ये न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में सबसे पहले ही दिया है अ टेस्ट ऑन टू स्ट्रोक इंजन, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन की वैल्यू है 350 RPM। ओके, और डाटा दिया हुआ है W इज इक्वल टू 65 इंटू, क्योंकि केजी में लोड दिया हुआ है नेट ब्रेक लोड, तो उसे जब मैं न्यूटन में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता हूँ 9.81, तो ये मुझे मिलेगा न्यूटन में। मीन इफेक्टिव प्रेशर
तीन बार, थ्री बार, मास फ्लो रेट और दैट इज फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मास 4 kg पर आवर, मास ऑफ वाटर फ्लो 500 kg पर आवर, डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, वाटर कूलिंग टेम्परेचर और इनलेट टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर जैकेट टेम्परेचर एट आउटलेट दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टी एट टी एम इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज इक्वल टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. एयर फ्यूल रेशियो दी हुई है, दैट इज एम ए बाय एम एफ इज इक्वल टू 32. एयर यूज पर केजी ऑफ फ्यूल, कितना केजी ऑफ फ्यूल के पर केजी, एक फ्यूल 1 kg जब यूज करते हैं तो कितनी एयर यूज होती है, ये दिया हुआ है. और साथ ही डायमीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.22 सिलेंडर डायमीटर मीटर, और स्ट्रोक लेंथ भी दी हुई है 0.28 मीटर. ब्रेक रेडियस दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू 1/2 m, हाफ मीटर, और कैलोरी वैल्यू दी हुई है हमें 43,000 kJ/kg, और हमें एक और वैल्यू दी हुई है दैट इज द मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस. ये आएगा किलो जूल पर केजी केल्विन में. तो अब हम सॉल्व करते हैं और हमें फाइंड आउट करना है इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, और हमें ड्रॉ करना है हीट बैलेंस शीट. अब हीट बैलेंस शीट क्या होता है ये अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा. हीट बैलेंस शीट, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इंडिकेटेड पावर. फर्स्ट इंडिकेटेड पावर आई पी इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया, ये हो जाएगा फोर्स, इसे मल्टीप्लाई करूँगा डिस्टेंस से तो ये हो जाएगा वर्क डन, और वर्क डन पर स्ट्रोक ऑफ साइकिल, पावर साइकिल, तो ये हो जाता है इंडिकेटेड पावर, और इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ किलो वाट में. ये हो गया, यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ मीन इफेक्टिव प्रेशर 3 bar दैट इज 3 × 10^5 इंटू एरिया, एरिया मुझे दिया हुआ है, एरिया के लिए मुझे लगेगा π/4 इंटू सिलेंडर डायमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करूँगा मैं नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा मैं स्ट्रोक की लेंथ से, और स्ट्रोक की लेंथ है 0.28, और ये सारे को डिवाइड कर दूँगा मैं
60,000 से। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू आती है, इंडिकेटेड पावर की जो वैल्यू आएगी वो है 18.63 किलोवाट। अब मुझे फाइंड आउट करना है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर भी बहुत इजीली फाइंड आउट होती है। ब्रेक पावर के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि टॉर्क इनटू 2 पाई एन डिवाइड बाय 60,000, लोड इनटू आर दैट इज रोटेशनल डिस्टेंस दैट इज रेडियस। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है टॉर्क, और टॉर्क मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एन बाय 60,000, ये हो जाएगा मेरा ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, दैट इज डब्ल्यू की वैल्यू है 65 इंटू 9.81 इंटू रेडियस है 0.5 इंटू 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल एन की वैल्यू है 350 डिवाइड बाय 60,000। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी किलोवाट मिलेगी। तो ब्रेक पावर की वैल्यू आती है किलोवाट में 11.68 किलोवाट। मतलब जो आउटपुट पावर मुझे मिल रहा है, जब इंडिकेटेड पावर में 18.63 किलोवाट देता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है 11.68 किलोवाट। तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया? अगर मैं हीट बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो उसमें जो हीट एनर्जी है कहाँ कहाँ पर यूज़ हुई, दैट इज़ ब्रेक पावर में हीट एनर्जी मुझे मिली, इंडिकेटेड पावर से जो हीट एनर्जी मैं प्रोड्यूस किया था उसमें से 11.68 किलोवाट ब्रेक पावर हीट एनर्जी मैं यूज़ करता हूँ इंजन को रन करने में, और जो बाकी हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी कहाँ गई? तो उसमें से एक हीट एनर्जी जाएगी कूलिंग वाटर में और एग्जॉस्ट में। तो आइए हम देखते हैं हीट सप्लाई इन किलोवाट। इंडिकेटेड पावर जो मुझे मिली उसके लिए मैंने कितनी हीट सप्लाई की थी? हीट सप्लाइड इन किलोवाट, तो मुझे कितने हीट एनर्जी मैंने सप्लाई की थी? तो ये आएगा मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, और मास ऑफ फ्यूल हमें दिया हुआ है 4 सिलेंडर है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ फ्यूल हम यहाँ से निकाल लेंगे। मास फ्लो रेट जो हम निकालेंगे वो किस तरह से आएगा? वो रहेगा, मास फ्लो रेट हमें मिलेगा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमें, एयर यूज पर केजी ऑफ फ्यूल डेट इज़ इक्वल टू 32 केजी। तो ये जो 32 केजी हमें मिला हुआ है केजी, तो यहाँ पर हमारा फ्यूल जो है 1 केजी हमें दिया हुआ है, लेकिन ये एक सिलेंडर में पर केजी हुआ है। तो इसके लिए हम जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 बाय 360, क्योंकि मुझे पर सेकंड फ्लो चाहिए, मास फ्लो रेट पर सेकंड, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ सिलेंडर से और फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा कैलोरीफिक वैल्यू से, तो ये मुझे मिलेगा, इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 47.8 किलोवाट। इतना मैंने हीट सप्लाई किया है। अब मुझे जो लास्ट जो हीट लॉस हुआ है, हीट लॉस जो हुआ है इन हीट लॉस ऑफ कूलिंग वाटर, हीट लॉस ऑफ कूलिंग वाटर, वाटर जैकेट में जो हमने कूलिंग की उससे कितना हीट लॉस हुआ?
तो ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर फ्लो इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट आउटलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर एट इनलेट। क्योंकि यहाँ पर वाटर आउटलेट का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा में से ही हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं, तो ये इक्वेशन इस तरह से बनी। और इसे जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, 500 kg यहाँ पर दिया हुआ है हमें वाटर जैकेट कूलिंग वाटर फ्लो रेट 500 kg पर आर, 500 kg पर आर, और उसी को मैं यहाँ पुट करूँगा पर सेकंड में मुझे चाहिए, इन टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हमें, और यहाँ पर हम एक और वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वाटर, मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा CpF वाटर, और इसकी वैल्यू आएगी 4.2 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस दिया है एट आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट 40 और इन इनलेट ऑफ वाटर 20, मीन्स 20 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ है, और उस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट एनर्जी लगी है वो है 11.7 किलोवाट। हीट लॉस इन एग्जॉस्ट गैसेस, लास्ट जो है हीट लॉस्ट इन एग्जॉस्ट गैस और ये इसके लिए जो मुझे फॉर्मूला लगेगा। अब एग्जॉस्ट गैस में जो एयर है फ्यूल है, मुझे नहीं पता है कि वो कितना उसका मास है, लेकिन मुझे ये पता है जब मैं इनटेक में एयर और मास को मैं जब लेता हूँ इनटेक में, तो उन दोनों का मिक्सचर होता है। और यहाँ पर एक मीन स्पेसिफिक हीट दी हुई है ड्राई गैस की, मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस, और उसे मैं लेता हूँ Cp ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एग्जॉस्ट गैस माइनस एटमॉस्फेयर। ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है तो मुझे पता चलेगा कि हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर कितना हुआ है। तो मास ऑफ एयर और फ्यूल के लिए मुझे लगेगा मास ऑफ एयर 32 प्लस मास ऑफ फ्यूल 1 पर आवर फ्लो हो रहा है इन टू 4, क्योंकि 4 सिलेंडर्स है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर 4। फ्यूल कंजम्पशन जो हो रहा है, कंजम्पशन रेट यहाँ पर 4 है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन रेट दिया हुआ है, 1 आवर में 4 kg कंजम्पशन हो रहा है फ्यूल का। जब फ्यूल 4 kg कंजम्पशन हो रहा है, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करूँगा एयर को भी 4 से, और डिवाइड करूँगा 3600 से, ताकि मुझे जो आंसर मिले वो सेकंड में मिले। और यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस, जो कि होती है 1 kJ/kgK, और मल्टीप्लाई करूँगा टेम्परेचर डिफरेंस से, और एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 13.9 किलो वाट। जब मैं हीट बैलेंस शीट का न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, तो लास्ट में जो आंसर होते हैं मुझे इस तरह से शो करना रहता है टेबल में, हीट इनपुट। हीट इनपुट जो होता है हीट सप्लाइड होता है, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल। तो हमने ये निकाला था हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, और इसका वैल्यू आएगा 47.8 किलोवाट।
और जब मैं सामने देखता हूँ कि हीट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई और उसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। और उसमें सबसे पहले आएगा हीट इन ब्रेक पावर, और इसका वैल्यू आएगा इन किलोवाट 11.68। जब मैं इनपुट सप्लाई किया था 47.8 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, और ब्रेक पावर दैट इज आउटपुट पावर जो मुझे मिला वो 11.68 किलोवाट मिला। मतलब बाकी जो एनर्जी थी वो मेरी यूज़फुल काम में यूज़ नहीं हुई, सिर्फ ब्रेक पावर जो मिला मुझे वही यूज़फुल पावर था, और बाकी जो एनर्जी थी दैट इज हीट लॉस्ट टू कूलिंग वाटर, और ये मुझे मिला है 11.70। नेक्स्ट जो लॉस हुआ है हीट लॉस टू एग्जॉस्ट, और ये आता है 13.9। अभी भी कुछ एनर्जी और फ्रिक्शन एनर्जी या लीक एनर्जी कुछ लॉस होती है, तो उस एनर्जी को मैं फाइंड आउट करता हूँ अनअकाउंटेबल, जिसे मैं कैलकुलेशन के ज़रिए अकाउंट नहीं कर सकता। या अनअकाउंटेड हीट, और ये एनर्जी मुझे आएगी बाय डिफरेंस। हीट सप्लाइड माइनस ये तीनों का सम, इसमें से डिफरेंस करूँगा मैं हीट सप्लाइड से, तो मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो है 10.5 किलोवाट एनर्जी अनअकाउंटेडली लॉस हो गई है। तो ये हो गया हमारा हीट बैलेंस शीट का प्रॉब्लम सॉल्व।